Hey guys, welcome back to An Academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh. A very happy Independence Day to all of you. Today we are celebrating 76 years of freedom. And इसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आज हम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट को डिस्कस करेंगे. हम सबको पता है कि नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसकी डिसरिस्पेक्ट करने पर आपको पनिश भी किया जा सकता है. फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है आर्टिकल 51 कैपिटल ए में. अगर उसमें बात करें तो क्लॉज ए बोलता है उसका कि हमें नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, आपका एक अपना खुद का तरीका हो सकता है. लेकिन डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं होती हैं, तो बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया की तो हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है. और जिन एक्ट्स के अंडर पनिशमेंट मिल सकती है, आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ये आपका सबसे पहले तो 2002 का दिया हुआ है. 2002 में इस फ्लैग कोड को बनाया गया. होस्टिंग, यूज एंड डिस्प्ले ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, इसको गवर्न कौन करता है? इसको गवर्न किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971. आप देख सकते हो ये कोड लिखा हुआ है एंड ये एक्ट है. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो है वो बेसिकली तरीका बताता है आपको नेशनल फ्लैग को किस तरीके से रखना है, आपको उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या करना है, ये चीजें बताता है. लेकिन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो इन दैट केस वो गवर्न होता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 से. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आपका इफेक्ट में आया था जनवरी 26, 2002 को. 26 जनवरी जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन 2002 को ये इफेक्ट में आया. नाउ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के कुछ सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने चाहिए. 2002 के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में जो भी फीचर्स दे रखे हैं, मैंने उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर डिस्कस किया है. इसको पहली बार अमेंड किया गया दिसंबर 30, 2021 को, जहाँ पर ये कहा गया कि जो नेशनल फ्लैग अगर पॉलिस्टर के कपड़े का बना हुआ है या मशीन मेड है, जो सीइंग मशीन होती है, अगर उसका बना हुआ है तो उसको अलाउ किया जाएगा. फर्दर कहा गया कि अब जो नेशनल फ्लैग है वो हैंड स्पन हो सकता है, हैंड वूवन हो सकता है एंड मशीन मेड. अगर हाथों से बनाया जा रहा है या मशीन से बनाया जा रहा है, उसको अलाउ कर दिया जाएगा. एंड जो मटेरियल होगा नेशनल फ्लैग का, दैट कुड बी ऑफ कॉटन, पॉलिस्टर, वूल का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, खादी का हो सकता है. अ मेंबर ऑफ पब्लिक, कोई भी पब्लिक मेंबर यानी कि आम जनता का कोई भी इंसान, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये होस्ट कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं नेशनल फ्लैग को हर दिनों पर, सारे दिनों पर, या फिर ओकेजन्स पर, सेरेमनीज वगैरह कुछ पड़ती हैं तो उन दिनों पर. शर्त क्या है कि जो भी फॉर्मेट होगा दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग की डिग्निटी और ऑनर को ध्यान में रखते हुए आप उसको डिस्प्ले या होस्ट करेंगे. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 फिर से एक बार अमेंड होता है जुलाई 19, 2022 के ऑर्डर से, जिसमें क्लॉज 11 जो था पैराग्राफ 2.2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का, इसको रिप्लेस किया गया था, जिसमें कहा गया कि फ्लैग इज डिस्प्लेड इन ओपन और डिस्प्लेड ऑन द हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक, इट मे बी फ्लोन डे एंड नाइट. ठीक है, फ्लैग को आप ओपन में डिस्प्ले कर सकते हो, घर में डिस्प्ले किया जा सकता है, कोई भी पब्लिक मेंबर यानी कि आम जनता का कोई भी इंसान इसको डिस्प्ले कर सकता है ओपन में, ये दिन और रात में लहरा सकता है. कोई टाइम नहीं है कि आपको शाम हो गई है तो आपको इसको लपेट के रखना है, दिन रात ये लहरा सकता है. नेशनल फ्लैग की शर्त ये है, ये रेक्टेंगुलर होना चाहिए शेप में. नेशनल फ्लैग किसी भी साइज का हो सकता है, बट यू हैव टू कीप दैट की रेशियो जो होता है वो लेंथ और हाइट का, वो 3:2 होना चाहिए. आप कुछ भी साइज रखिए, लेकिन जो रेशियो होगा वो लेंथ में 3 होना चाहिए एंड विथ में 2 होना चाहिए. जब भी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले होता है तो इट शुड ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ ऑनर एंड शुड बी डिस्टिंक्टली प्लेस. आप बिल्कुल अलग रखेंगे नेशनल फ्लैग की जगह जो हो वो एकदम से डिस्टिंक्टली प्लेस्ड हो, एकदम अलग होनी चाहिए.
लोग यूजुअली अपने घर में लगाते हैं तो छत पे लगाते हैं, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ऑफिस वगैरह में होता है तो वहां पे गार्डन जो होता है वहां पर बीचों बीच में अलग से लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक पोजीशन ऑफ ऑनर देना है, आपको रिस्पेक्ट देना है उस नेशनल फ्लैग को। आप कहीं पर भी किसी भी कूड़े कबाड़े के साथ आप उसको नहीं रख सकते हो, आप उसको साफ सुथरी जगह पर लगाएंगे जो बिल्कुल अलग होगा घर में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में। डैमेज या डिसेबल फ्लैग आपका डिस्प्ले नहीं होगा, अगर वो कहीं से भी कटा या फटा है तो उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। फ्लैग शुड नॉट बी फ्लोन फ्रॉम अ सिंगल मास्ट हेड साइमल्टेनियसली विद एनी अदर फ्लैग या फ्लैग्स, जहां पर भी लगा होना चाहिए नेशनल फ्लैग हमारा इंडिया का वो सिर्फ अकेले लगा हो, उसके साथ कोई भी और फ्लैग शेयर नहीं होना चाहिए। फ्लैग शुड नॉट बी फ्लोन ऑन एनी व्हीकल, किसी भी व्हीकल पे नहीं लगाया जाएगा। लोग होता नहीं है जनरली, आज 15 अगस्त को आप देखो, 26 जनवरी को देखो, लोग बाइक चला रहे हैं उसके आगे झंडा लगाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि व्हीकल पे नहीं लगाया जाएगा एक्सेप्ट कुछ डिग्निटरीज, यहाँ पर एक्सेप्शंस में आती हैं जिनको अलाउ किया गया है, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर्स वगैरह को। नाउ नो अदर फ्लैग और बंटिंग शुड बी प्लेस हायर देन अबव और साइड बाई साइड विद द नेशनल फ्लैग, किसी भी फ्लैग को आप उसके बगल में नहीं रखेंगे, उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, कुछ भी किसी भी कंडीशन में साइमल्टेनियसली आप नहीं रखेंगे। ये हो गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कौन सा ऐसा एक्ट है जो अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको पनिशमेंट देने वाला है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। नेशनल ऑनर की बात हो रही है, तो जो चीज़ें हमें नेशनल लेवल पे जिन चीज़ों को ऑनर देना है, अगर आप उसकी इंसल्ट करोगे तो उसको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 23 दिसंबर 1971 को। इंटेंशन क्या था वही मैंने बताया, कंट्री के नेशनल सिंबल्स को बचाना, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल एंथम है, मैप ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम बीइंग इंसल्टेड और डिसरिस्पेक्टेड। इनको आप किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एंड इट ऑल्सो टेंड्स टू पेनलाइज द पर्सन हु इंसल्ट, ऑनर, डिसऑनर और डिसरिस्पेक्ट। अगर नेशन को किसी भी तरीके से इंसल्ट करोगे, किसी भी तरीके से डिसऑनर या डिसरिस्पेक्ट आप करेंगे तो वो फिर पेनलाइज पर्सन को किया जाएगा। स्कोप क्या है, कहाँ पे लागू होता है, पूरे इंडिया पर यह एक्ट लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इट रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आप नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, इंडिया के मैप को किसी भी तरीके से, कोई भी एक्ट करके आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो, ना तो जला के आप करोगे, ना ही आप ट्रैम्पलिंग कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फाड़ नहीं सकते, आप उसको जला नहीं सकते हैं, आप उसको गलत चीज़ों के साथ यूज करके उसका गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते हो बेसिकली, चाहे वो इंटेंशनली हो या नहीं हो। यहाँ पर इंटेंशन चेक नहीं किया जाएगा, अगर आपने डैमेज किया है तो दैट मीन्स आपने डैमेज किया, आपका इंटेंशन था या नहीं था, इस ये बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। इट डज नॉट इंटेंड टू प्रोहिबिट द ऑनेस्ट और द बोनाफाइड क्रिटिसिज्म, लेकिन अगर सही इंटेंशन से किसी तरीके का कुछ कटाक्ष किया जा रहा है तो यहाँ पर वो चीज चल जाती है, क्रिटिसिज्म माना जाएगा, उसको उसकी रिस्पेक्ट करी जाएगी। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म आपका होना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस प्रोविजन इसके लिए दे रखे हैं इस एक्ट में, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन टू पे। सेक्शन वन में हमने देख लिया होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, सेक्शन टू बात करता है कि अगर इंडियन नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट हो रही है तो क्या होगा। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बर्न कर देता है, म्यूटिलेट करता है, डिफेस करता है, डिफाई करता है, डिसफिगर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ट्रैम्पल करता है, या किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर कंटेम्प्ट में बाय वर्ड्स, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स हो चाहे वो रिटेन हो, अगर वो कंटेम्प्ट क्रिएट यहाँ पे करता है कोई अपने एक्ट्स के थ्रू, किन किन चीज़ों का, इंडियन नेशनल फ्लैग का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, या किसी भी अदर पार्ट का पब्लिकली, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ये है पूरा सेक्शन नंबर टू जो बात करता है कि किसी भी तरीके से, आप इन सारे शब्दों को देख सकते हैं, इसमें डिसफिगर करना है, यानी कि अगर आप उसका शेप बिगाड़ रहे हैं, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, आप उसको जला रहे हैं, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको पनिशमेंट 3 साल की मिलेगी, फाइन भी पड़ेगा। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं सेक्शन टू में। एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि अगर कोई भी कमेंट ऐसा किया जाता है जिसका इंटेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करना, या फिर इंडियन नेशनल फ्लैग को क्रिटिसाइज करना, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कोई मेजर्स को क्रिटिसाइज करना,
टू ऑप्टेन और गेट एन अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या फिर इंडियन नेशनल फ्लैग में कोई ऑल्टरेशन हो जाए लॉफुली, देन इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. अगर कोई पर्सन यहाँ पर कोई कॉमेंट्स दे रहा है, मैंने जैसा कि कहा कि बोनाफाइड क्रिटिसिज्म, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म की कोई बुराई, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन ऐसे कमेंट करता है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो चाहता है कि इस प्रोविजन में अमेंडमेंट आ जाए, वो चाहता है इंडियन नेशनल फ्लैग में ये बदलाव होना चाहिए, वो अपने ओपिनियन रख रहा है, तो यहाँ पर उसके इस एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा. एक्सप्लेनेशन टू की बात करें तो टर्म इंडियन नेशनल फ्लैग जो इस सेक्शन में दे रखा है, इसमें सारे विजिबल रिप्रेजेंटेशन आते हैं. बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में जब सामने हमारे नेशनल फ्लैग है तो उसकी बात हो रही है. ये नेशनल फ्लैग चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा नेशनल फ्लैग हो, चाहे किसी की बुक में बना हुआ नेशनल फ्लैग है या फिर टीवी पे आ रहा नेशनल फ्लैग है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है. चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो या फोटोग्राफ हो या कोई भी तरीके का मीन्स, ठीक है, मेड ऑफ एनी सब्सटेंस और रिप्रेजेंटेड ऑन एनी सब्सटेंस, तो यहाँ पर ये काउंट होगा इंडियन नेशनल फ्लैग में. एक्सप्लेनेशन थ्री बात करता है पब्लिक प्लेस की. जो टर्म या एक्सप्रेशन पब्लिक प्लेस इस सेक्शन में यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है कोई भी प्लेस जो इजिली एक्सेसिबल होती है टू द पब्लिक फॉर यूज, एंड इसमें ये इंक्लूड करता है किसी भी पब्लिक कन्वेयंस को. इजिली एक्सेसिबल है पब्लिक, आम जनता के लिए जो कोई भी पब्लिक प्लेस है वो इस कैटेगरी में आ जाएगी. एक्सप्लेनेशन फोर, थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं. एक्सप्लेनेशन फोर क्या कहता है कि जो डिसरिस्पेक्ट है इसको बताने की कोशिश करिए कि आप आके डिसरिस्पेक्ट कैसे करोगे, हम कब मानेंगे कि आपने इंडियन नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया है. तो पहला, एनी सॉर्ट ऑफ ग्रॉस एफ्रंट और इनडिग्निटी शो टूवर्ड्स और ऑफर टू इंडियन नेशनल फ्लैग. अगर किसी भी तरीके से आप इनडिग्निटी शो करते हैं नेशनल फ्लैग को, तो यहाँ पर माना जाएगा कि आपने डिसरिस्पेक्ट करी है. अगर आप ड्रॉप करते हो, आप ऐसे फेंक दे रहे हो नेशनल फ्लैग को, डिप कर रहे हो इंडियन नेशनल फ्लैग को इन सैल्यूट टू एनी पर्सन और थिंग, तो इन दैट केस किसी और को सैल्यूट करने के चक्कर में आप अगर इसको डिप या ड्रॉप करते हैं तो डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा. फ्लाइंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट हाफ मास्ट, हाफ मास्ट पे कभी भी इंडियन नेशनल फ्लैग को फ्लाई नहीं करते हैं एक्सेप्ट ऑन द ओकेजंस वेयर इट इज मैंडेटरी टू फ्लाई द इंडियन नेशनल फ्लैग हाफ मास्ट ऑन बिल्डिंग्स बट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट. आपको पता है हाफ मास्ट पे तब रखते हैं जब कोई सैड न्यूज होती है तो झुका दिया जाता है. तो कहा जा रहा है हाफ मास्ट पे अगर आपने रखा है तो इन दैट केस डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा, एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है और वो भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू कर रखे हैं. ड्रेपिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग इन एनी फॉर्म, आप किसी भी तरीके से फोल्ड नहीं कर सकते हो. आपने मूवीज में भी देखा होगा कि इंडियन नेशनल फ्लैग को फोल्ड करने के लिए सोल्जर्स वगैरह को देखा होगा, बहुत प्रॉपर फॉर्म में वो लोग करते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं, फिर आधा इधर से आधा उधर से, फिर ऐसे करके, मतलब जो दो पट्टी आपकी सैफरन वाली और ब्लू वाली, सैफरन और ग्रीन वाली, एंड देन बीच में ब्लू वाला जो चक्र आपका आता है, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए. वो रेक्टेंगल फॉर्म में ही वो होता है, जो एडिशनल पार्ट है बस वो रैप होके नीचे जाता है. तो ड्रेपिंग जो इंडियन नेशनल फ्लैग की है वो किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इन स्टेट फ्यूनरल्स और आर्म फोर्सेज और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज फ्यूनरल, ठीक है. इंडियन नेशनल फ्लैग को किसी भी फॉर्म में ड्रेप नहीं किया जाएगा, बोला जा रहा है. बस कब कब किया जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने टीवी में देखा होगा सोल्जर्स को जब किसी की डेथ होती है तो वो फिर उस टाइम पर लपेटा जाता है और फिर उनको दे दिया जाता है उनकी फैमिली को. तो स्टेट फ्यूनरल्स में, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्यूनरल्स में ही खाली ड्रेपिंग अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है. अगर आपने झंडा लगाया तो आप उसको लहराते रहिए. यूजिंग द नेशनल फ्लैग, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम, अगर आप कॉस्ट्यूम की तरह उसको पहन रहे हैं, आप उसको यूनिफॉर्म बना के पहन रहे हैं या फिर एक्सेसरी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी भी तरह की एक्सेसरी बना के पहन रहे हैं जो कि वेस्ट के नीचे है तो वेस्ट के नीचे अलाउड नहीं है, ठीक है. आप शर्ट पहन सकते हो बट आप पैंट के फॉर्म में नहीं पहन सकते हो. अगर आप कोई भी एक्सेसरी यूज़ कर रहे हो तो ऊपर गले वगले में, कान में वगैरह इस तरीके से यूज़ हो सकता है उस कलर में, बट यू कैन नॉट वेयर इट लाइक बिलो द वेस्ट. By embroidering, stitching or printing it on the things like cushion, handkerchief, napkins, undergarments, any dress material. अगर आप किसी भी कुशन पे, किसी रुमाल पर, नैपकिन्स पे, undergarments पे अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, embroidery कर रहे हैं नेशनल फ्लैग की, तो आप disrespect उसकी कर रहे हैं. इंडियन नेशनल फ्लैग को अगर आप alter कर रहे हैं कुछ inscription डाल के, मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है, ये बना है. अब आपने क्या किया, आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा.
using the Indian national flag as a covering or a wrapper for receiving, delivering or carrying anything. ठीक है, आप किसी भी चीज को कैरी करने के लिए आप इसको रैपर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द फ्लावर पेटल्स जब इंडियन नेशनल फ्लैग इज अनफर्ल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन. कहने का मतलब क्या है, आप इसको रैप नहीं कर सकते, आप इसके अंदर कुछ भी पोटली बना के नहीं रख सकते हो. आपने देखा होगा जब झंडा लहराया जाता है तो उसमें फूल रखे जाते हैं, जब वो लहरा दिया जाता है तो फूल नीचे से गिरते ऊपर से गिरते हैं. तो वही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट फ्लावर पेटल जब इंडियन नेशनल फ्लैग को लहराना होता है स्पेशल ओकेजन्स पे, जब हम रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सिर्फ तभी उसको एज अ रैपर या एज अ कैरिंग समथिंग एनीथिंग वाला हम मानेंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं किया जाएगा. अगर आप नेशनल फ्लैग को यूज करते हो किसी स्टैचू को कवर करने के लिए, किसी मॉन्यूमेंट को, या फिर स्पीकर की डेस्क हो गई या स्पीकर का प्लेटफॉर्म हो गया, तो डिसरिस्पेक्टफुल है. अगर आप इंटेंशनली अलाउ कर रहे हो इंडियन नेशनल फ्लैग को कि वो ग्राउंड को टच करे या फ्लोर को या ट्रेल इन वाटर इंटेंशनली, तो ये डिसरिस्पेक्टफुल हो. जमीन को कतई नहीं छूना चाहिए. आप जब लेके जा रहे हैं, लहराने के लिए रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू विल नॉट कीप द फ्लैग इन एनी केस ऑन द ग्राउंड. फ्लोर टच नहीं होना चाहिए. अगर आप यूज कर रहे हैं नेशनल फ्लैग को एज अ ड्रेप ओवर द हुड, टॉप एंड साइड्स और द बैक ऑन अ व्हीकल, ऑलरेडी मैंने बता दिया व्हीकल पे लगाना नहीं अलाउड है, तो व्हीकल के आगे पीछे किनारे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं अलाउड है. ना आप उसको आप लपेट नहीं सकते हो उसको, ड्रेप नहीं कर सकते हो किसी भी व्हीकल को, बोट को, ट्रेन को, एयरक्राफ्ट को या किसी भी सिमिलर ऑब्जेक्ट को. आप किसी भी नेशनल फ्लैग को किसी बिल्डिंग को कवर नहीं कर सकते, उसको यूज करके नेशनल फ्लैग को किसी बिल्डिंग को कवर नहीं किया जा सकता. आप इंटेंशनली अगर डिस्प्ले कर रहे हैं इंडियन नेशनल फ्लैग को विद द टॉप कलर, ठीक है, सैफरन को सबसे नीचे आपने उल्टा अगर नेशनल फ्लैग लगा दिया, तो आपने बेशक क्या करा है, डिसरिस्पेक्ट किया है. ये हो गया कुछ एक्सप्लेनेशन जिसमें डिसरिस्पेक्ट बताया गया. अब अगर आप ये एक्ट करते हैं तो माना जाएगा आपने नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया है. सेक्शन 3 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम. ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी इंडियन नेशनल एंथम को गाने से रुकता है, नहीं गाना चाहता है, या कॉजेज एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली इंगेज इन सच सिंगिंग एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल एंथम इंटेंशनली, कोई भी अगर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उस असेंबली में जहाँ पे इंडियन नेशनल एंथम सिंग किया जा रहा है, तो इन दैट केस इंटेंशनली अगर ये एक्ट किया गया है तो उस पर्सन को 3 साल तक की सजा करी जाएगी. फाइन भी हो सकता है और दोनों हो सकता है. ठीक है, ये हो गया सेक्शन 3. नाउ व्हाट सेक्शन 3A टॉक्स अबाउट, इनहैंस पेनालिटी है जब आप दूसरी बार कुछ कर रहे हैं या फिर लगातार कर रहे हैं. अगर पर्सन को किसी को ऑलरेडी कन्विक किया जा चुका था सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, एंड फिर से अगर उसको कन्विक किया गया है तो उसको फिर से सेकेंड टाइम पनिश किया जाएगा और हर एक सबसिक्वेंट ऑफेंस पर उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल और एक्सटेंड करते चले जाएंगे. ये नहीं है एक बार कर दिया था, एक बार सजा काट चुके तो दोबारा नहीं मिलेगी, डेफिनेटली ये बढ़ती चली जाएगी. अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज पे. नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम से रिलेटेड केस लॉज देख लेते हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑलरेडी केसेस हुए हैं, तो मोस्ट लीडिंग केस लॉज आज के सेशन में हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस. ये केस आपका बात करता है जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा है उस वक्त अगर कोई रिस्पेक्ट में दे द पीपल आर स्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम, तो दैट इज इनफ. अगर कोई सिंग नहीं कर रहा है किसी वजह से, उसका अगर रीजन इज रीजनेबल, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा. ये केस आपका पॉपुलरली नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है. ये केस था आपका केरला का, जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था कि नेशनल एंथम क्लास शुरू होने से पहले जो मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ पर प्ले किया जाएगा, और हर एक पर्सन को ही शुड पे रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट की बात करी गई थी, ये नहीं कहा गया था कि उसको स्टैंड होना ही है. ठीक है, तो दे शुड पे रिस्पेक्ट टू द एंथम. लेकिन हुआ क्या कि एक स्कूल में 3 बच्चे थे, बिजॉय, बिनुमॉल एंड बिंदु इमानुअल, हु वर द जिहोवाज विटनेसेस. ये जिहोवाज विटनेसेस थे, आप कह सकते हो ये जिहोवा रिलीजन के फॉलोअर्स थे, जहाँ पर इनको अलाउ नहीं होता था कि ये नेशनल एंथम को सिंग करें. तो फॉर दैट से कि क्या करते थे, रिस्पेक्टफुली दे यूज टू स्टैंड जब नेशनल एंथम बजाया जाता था, बट दे डिडेंट सिंग इट. ये गाते नहीं थे क्योंकि ये इनके रिलीजियस फेथ के अलग जा रहा था. नाउ इनको क्या किया गया, इनको स्कूल ने एक्सपेल कर दिया गया. स्कूल ने इनको एक्सपेल कर दिया बिकॉज दे वर नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम. अब इनके फादर ने रिट पिटिशन फाइल करी स्कूल के अगेंस्ट एक्सपल्शन को लेके.
ये पेटिशन रिजेक्ट कर दी लर्नेड जज ने एंड देन डिवीजन बेंच ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दी. नाउ आफ्टर दिस ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं, एक एसएलपी फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना यहाँ पर जजमेंट बदला. बदला क्या? उन्होंने पिछले जजमेंट के अगेंस्ट ओवर रूल करते हुए कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा कोई भी प्रोविजन लॉ का ये नहीं है जो मैंडेटरी करता हो नेशनल एंथम सिंग करना. कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कहता है कि नेशनल एंथम आपको गाना ही पड़ेगा. ओनली मैंडेटरी थिंग ये है कि हर एक पर्सन को स्टैंड होना है वाइल इट इज बीइंग प्लेड. हर एक इंसान को खड़े होना है रिस्पेक्ट में जब वो बजाया जा रहा है. इन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, उसका जो पहला क्लॉज है वो ये कहता है कि हर एक इंडियन सिटीजन जो है ही मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो आइडल्स और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की, एंड जो प्रॉपर वे है नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने का वो है स्टैंड अप व्हेनेवर इट बीइंग संग. जब भी बजे तो आप उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाइए. Now it is therefore not correct to say that it is disrespectful if you do not sing the national anthem. अच्छा ये भी कहना नहीं सही होगा. It is therefore not, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर कोई national anthem sing नहीं कर रहा है तो वो disrespect कर रहा है. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा section 3 कि अगर वो disturbance cause करता है while playing the national anthem तो वो disrespectful माना जाएगा. But अगर कोई disturbance create नहीं कर रहा है तो वो disrespectful नहीं हो सकता. एपेक्स कोर्ट ने इस एक्सपल्शन को इनवैलिडेट ठहराते हुए कहा कि ये जो ऑर्डर है इसने वायलेट किया है 19(1)A को, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो जो तीनों बच्चे थे उनको एक्सप्रेस करने का उनका खुद का ये तरीका था, आपने उसको वायलेट किया है. आपने आर्टिकल 25(1) को वायलेट किया, आपने उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट किया है. क्यों? क्योंकि अगर वो किसी और रिलीजन के फेथ में थे तो जो अलाउ नहीं करता कि वो ये सिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने सिंग नहीं किया बट उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करी. तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम चुपचाप खड़े होते हैं जब नेशनल एंथम बज रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. नीदर रिस्ट्रिक्ट एनी द पर्सन फ्रॉम सिंगिंग नॉर कॉजेज डिस्टर्बेंस. ठीक है, दूसरे बच्चों को वो गाने से तो रोक नहीं रहे थे और ना ही वो असेंबली में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है. नेक्स्ट केस पर आते हैं, श्याम नारायण चौकसे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस आप लोगों को याद होगा 2018 का है. ड्यूटी बाउंड टू शो रिस्पेक्ट, इसमें होता है कि ये केस किस पर था कि रिस्पेक्ट शो करने के लिए यू आर ड्यूटी बाउंड. देखते हैं इस केस में क्या हुआ. आप सबको ये याद होगा डेफिनेटली. पेटिशनर ने कोर्ट से कहा कि हमें स्पेसिफाई करिए कि आखिर कब माना जाएगा कि डिसरिस्पेक्ट हुआ है और नेशनल एंथम का अब्यूज किया गया है. एंड पेटिशनर ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट का भी रेफरेंस दिया. टू जजेस बेंच जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी, इन्होंने कुछ डायरेक्शन इशू किए एज एन इंटरिम मेजर कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ड्रामेटाइज्ड डिस्प्ले ना हो नेशनल एंथम का. ठीक है, इस तरीके से कुछ मेजर इशू किए थे, वो हम देख लेते हैं, दैट आर इम्पॉर्टेंट. जो यहाँ पर मेजर्स बताए कोर्ट ने वो क्या थे कि नो वन शुड एक्सप्लॉयट द नेशनल एंथम टू गेन एनी फाइनेंशियल एडवांटेज एंड कमर्शियल बेनिफिट. आप किसी भी फाइनेंशियल एडवांटेज को गेन करने के लिए, कमर्शियल बेनिफिट के लिए आप नेशनल एंथम का एक्सप्लॉयटेशन करते ही नहीं कर सकते हैं. नेशनल एंथम किसी भी ड्रामा का पार्ट या शो का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इम्परेटिव है शो करने के लिए रिस्पेक्ट व्हेन इट इज संग और प्लेड. बिकॉज इट इज इम्परेटिव, जरूरी है कि आपको रिस्पेक्ट शो करनी है जब वो बजाया जाएगा, जब वो गाया जाएगा. तो अगर आप किसी ड्रामा या शो का पार्ट उसको रखेंगे नेशनल एंथम को, तो डेफिनेटली आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे. क्योंकि आप सबको पता होगा कि नेशनल एंथम को गाने का जो टाइम होता है वो होता है कि विद इन 52 सेकेंड से ख़त्म हो जाना चाहिए. आप ड्रामा या शो का पार्ट रखेंगे तो आप उसके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो ये डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा. नीदर नेशनल एंथम नॉर एनी पार्ट ऑफ इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ना ही नेशनल एंथम को आप किसी भी ऑब्जेक्ट या जगह पर प्लेस डिस्प्ले करोगे, ना ही उसके किसी पार्ट को दैट हैव अ डिसग्रेसफुल स्टेटस. वही मैंने कहा ना, दो चार लाइन भी निकाल के आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो. इट इज बिकॉज, क्योंकि नेशनल एंथम एक सिंबल है नेशनल आइडेंटिटी का, इंटेग्रिटी का एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियाटिज्म का. हम दोनों चीज़ देखते हैं, नेशनल एंथम देखते हैं जनगण मन, हम नेशनल सॉन्ग देखते हैं वंदे मातरम. लेकिन वंदे मातरम के साथ छेड़खानी हो सकती है बट नेशनल एंथम के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं हो सकती. आप दो लाइन इधर से उधर उठा के भी नहीं कर सकते कहीं पे भी. तभी आपने देखा होगा
वंदे मातरम को लेके काफी वर्जन बने, काफी गाने बने, लेकिन जनगणमन को लेकर कोई भी गाना बॉलीवुड में इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि लिखा है साफ साफ कि डिसरिस्पेक्टफुल होगा। जितने भी थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स हैं इंडिया में, श्याम नारायण चौकसे में कहा था कि जितने भी थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स इंडिया में हैं उनको मूवी स्क्रीन करने से पहले नेशनल एंथम बजाना होगा, एंड जो कोई भी हॉल में खड़ा बैठा होगा, प्रेजेंट होगा, दे शुड दे मैंडेटरी था उनके लिए खड़े होना एंड मैंडेटरी रिस्पेक्ट पे करना नेशनल एंथम को। नाउ बिफोर प्लेइंग द नेशनल एंथम, जो एंट्री और एग्जिट गेट्स है सिनेमा हॉल के, इनको बंद किया जाएगा, जिससे कि आने और जाने वाले लोग डिस्टर्ब ना कर पाए जब वो बज रहा है। क्यों? क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुल होगा नेशनल एंथम के लिए अगर ऐसा किया जाता है। तो जब नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा सिनेमा हॉल में, तो स्क्रीन पर नेशनल फ्लैग की पिक्चर लगाई जाएगी। एनी अदर अब्रिज्ड वर्जन, अगर आप कोई भी नेशनल एंथम का कोई ओरिजिनल वर्जन के अलावा कुछ और बजाते हो, तो वो नहीं बजाया जाएगा, वो मना है, एंड उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा मूवी थिएटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्याम नारायण चौकसे का। अब हम आते हैं, अच्छा इसके बाद फिर हुआ था थोड़ा बहुत मामला, जिसके बाद ये कहा गया था कि खड़े होना उनके लिए जरूर, सबके लिए जरूरी है जो प्रेजेंट है, बट उनके लिए जरूरी नहीं है जो लोग डिसेबल है। ठीक है, जो लोग डिसेबल है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स, अब ये भी मुद्दा बीच में उठा था, क्या प्राइवेट बिल्डिंग्स पर नेशनल फ्लैग लगा सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा अमेंडमेंट के थ्रू अलाउ हो गया था, तो फिर यहाँ पर एक बार केस भी देख लेते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का। ये बहुत ही पॉपुलर केस है और उसको नेशनल फ्लैग केस कहते हैं। नवीन जिंदल ने नेशनल फ्लैग जो है अपनी फैक्ट्री पे होस्ट कर दिया था। अब मामला क्या हुआ, जो कमिश्नर थे बिलासपुर के, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया एंड उन्होंने कहा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किसी भी प्राइवेट सिटीजन को परमिट नहीं करता नेशनल फ्लैग होस्ट करने के लिए। नवीन जी ने क्या किया, इन्होंने पेटिशन फाइल करी हाईकोर्ट में और इन्होंने आर्ग्यू किया कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो मुझे रोक पाए नेशनल फ्लैग को होस्ट करने से, किसी भी सिटीजन को कोई भी लॉ रोकता नहीं है। नाउ हाईकोर्ट ने पेटिशन को अलाउ किया और हाईकोर्ट ने कहा कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पहली बात तो कोई स्टैट्यूट या लॉ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि डायरेक्टिव है, ये स्टैट्यूट या लॉ, ये कानून नहीं है, ये सिर्फ एक सेट है एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, एंड इसीलिए ये कोई रिस्ट्रिक्शन, वैलिड रिस्ट्रिक्शन नहीं है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, इसको हम बदल सकते हैं टाइम के अनुसार। अनसेटिस्फाइड, अब हाईकोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थी यूनियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल करी, जहां पर ये मामला आया कि क्या सिटीजन को अलाउ कर देना चाहिए कि वो फ्लैग होस्ट कर सकते हैं और नॉट, ये एक पॉलिसी डिसीजन है एंड कोर्ट को इंटरवीन इसमें नहीं करना चाहिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उन्होंने अपील को डिसमिस कर दिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने जो फाइल करा था उन्होंने अग्री किया हाई कोर्ट के ऑर्डर से। उन्होंने कहा जो फ्लाइंग ऑफ द नेशनल फ्लैग है ये एक हर एक इंडियन सिटीजन की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये उसका भाव है अपने नेशन की तरफ रिस्पेक्ट दिखाने का, ये एक उसका भाव है अपने नेशन के लिए प्राउड फील करने का। नेशनल फ्लैग अगर किसी के यहाँ लगा है तो हम उसका पैट्रियोटिक फीलिंग देख सकते हैं, ये पता चलता है कि वो पर्सन कितना बड़ा देशभक्त है, तो ये उसका तरीका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स 23 जनवरी को नेशनल फ्लैग डे माना जाता है बाय नवीन जिंदल। ठीक है, इसके बाद से 23 जनवरी को नेशनल फ्लैग डे हम लोग मनाने लग गए। सो गाइज, दिस वॉज इट रिगार्डिंग द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एंड द नेशनल ऑनर एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर एक्ट जो भी है आपका। ठीक है, इसके रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी एंड डेफिनेटली आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट पीजी या अदर LLM एग्जाम्स की, तो अन अकेडमी अचीवर्स बैच लेके आया है, आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से यू कैन यूज़ माई कोड MSingh10 और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम की बहुत सारी खासियत है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव टेस्ट और मॉक्स भी करवाए जाते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो, तो आप ये वाला कोड मेरा MSingh10 यूज़ करोगे एक्सक्लूसिवली। अभी 15999 में अन अकेडमी स्टोर्स पर ये कोर्स अवेलेबल है, बट इफ़ यू आर यूजिंग माई दिस कोड तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर मिलेगा। यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सारे एग्जाम्स के लिए, शेड्यूल्ड यहाँ पर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग इज द मेन अट्रैक्शन, एंड आपको ये कोड स्कैन करना है और आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाके परचेज कर सकते हो।
ऑल इंडिया क्लैट 2024 पीजी मॉक टेस्ट सीरीज अन अकेडमी लेके आया, जिसमें 20 फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। खासियत ये है कि ये मॉक्स लाइव होंगे और हर वीकेंड करवाए जाते हैं। क्लैट जिस टाइम पर करवाता है अपना पेपर, उसी टाइम पे करवाए जाते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक। 1900 रुपये में 20 मॉक्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, फटाफट से परचेज कर लो। अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको अलग से परचेज नहीं करना है, बट इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग द बैच तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। MSingh10 ये कोड यूज़ करोगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मैक्सिमम वाला मिल जाएगा। मैं अन अकेडमी पर स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ हर ट्यूजडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को, तो अगर आप ये QR कोड स्कैन करते हो तो फटाफट से आप जो है वहाँ पर जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं एंड अपकमिंग सेशंस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको QR कोड को स्कैन करो, और आपको अपडेट्स काफ़ी मिलती रहेंगी LLM एग्जाम से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपने इन्जॉय किया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए रहा होगा। इसमें कोई भी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको पता होना चाहिए, या हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए, तो सबके साथ शेयर करो जिससे कि सबको पता चले कि आखिर नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है। एंड ऑल्सो प्रिवेंटिव ऑफ इंसल्ट, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो आखिर हमें क्या सज़ा मिल सकती है। सो गाइज, सेलिब्रेटिंग द 76 ईयर्स ऑफ फ्रीडम, इसी के साथ आज का सेशन एंड करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।